हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पालक मेथी का साग। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और पालक में आयरन भरपूर होता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम पालक लिया है और 500 ग्राम मेथी ली है। मैंने इसकी मोटी मोटी डंडियों को निकाल दिया है और इसे मैंने साफ कर लिया है। साग को पहले बारीक बारीक काटना है, तो मैंने यहाँ पर हसिया लिया है और मैं इसे देसी स्टाइल में हसिए से काटूंगी। हसिए से साग बहुत ही बारीक कटता है। आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन चाकू से काटने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। साग काटते समय एक ज़रूरी बात याद रखनी है कि जब आप साग काटें तो साग के साथ साथ अपना हाथ मत काट लेना। अक्सर साग काटते समय हाथ कटने का डर रहता है। ये देखिए हमारा साग कितना बारीक कटा है ना। मैंने साग काट कर तैयार कर लिया है। साग में हम दो चीज़ें और डालेंगे जिससे साग हमारा और भी टेस्टी बनेगा। मैंने यहाँ पर दो आलू लिए हैं, इन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है। थोड़े से मैंने मटर ले लिए हैं। मटर का टेस्ट साग में बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी लिया है, जिसे मैंने गर्म करने रख दिया था। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मेथी और पालक का साग है उसे धोकर डाल देंगे। साग में उबाल आ गया है, तो अब हम इसे चलाएंगे। हमने जो आलू काट के रखे हैं इन्हें डाल देंगे। इन्हें मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम मटर डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे। जब तक हमारा साग पकेगा तब तक हम इसकी बाइंडिंग के लिए इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मक्के का आटा लिया है। 4 चम्मच मैंने मक्के का आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। आपके पास अगर मक्के का आटा नहीं है तो आप इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब हम साग चेक कर लेंगे। तो एक आलू को हम दबाकर देखेंगे। तो देखिए हमारा आलू अच्छे से पक चुका है। थोड़ा सा साग हाथ पर दबाकर देख लेंगे। तो देखिए हमारा साग अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ये घोल जो हमने तैयार किया है इसे डालेंगे। लगातार इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम ये घोल डालेंगे तो उसके बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे तले पर ना लगे। हम इसे लगातार 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए साग में सभी चीज़ें आपस में कितने अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मक्के के आटे का घोल डालने से साग में बाइंडिंग अच्छे से आ जाती है। इसे लगातार चलाते रहने से इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैंने इसे अच्छे से पका लिया है, तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है और ये मैंने हींग ली है। मैंने यहाँ पर हरा धनिया बारीक काट कर इसमें मिक्स कर दिया है। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो ना डालें, इसकी इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। 1 पिंच हींग डालेंगे और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम इसे हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास लाल मिर्च है तो आप इसमें इसी टाइम डाल दें। मेरे पास लाल मिर्च नहीं है। मैंने यहाँ पर 1 टमाटर को कट कर लिया था, इसे डाल देंगे। और इसी के साथ मैंने हरी मिर्च डाल दी है और इन्हें अच्छे से पका लेंगे। आपको साग में अगर टमाटर नहीं पसंद है तो आप ना डालें, लेकिन टमाटर डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। बच्चे भी इसे बहुत चाव से खाएंगे अगर आप इस तरह से साग को बनाएंगे। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप इसी तरह से साग बनाते हैं, और अगर आप इस तरह से साग नहीं बनाते हैं तो आप इस तरह से बनाएं,
और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जब हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें साग डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा पालक मेथी का साग बनकर तैयार है। आप इसे मक्के की रोटी या फिर बाजरे की रोटी के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।